TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त क्रेमलिन के पास मौजूद है। देखिए इस वक्त हम डोनेट्स में हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त रूस के कैलिनिनग्राद में मौजूद है। हम इस वक्त बेलगोरोद स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त पेट्रोवस्की इलाके में मौजूद है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको बेलगोरोद के एक शॉपिंग सेंटर लेकर चल रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम डोनेट्स्क में मौजूद है। फ्रंट लाइन पर जब अगर आप मौजूद हैं तो आपके दिल में केवल जोश नहीं होना चाहिए बल्कि आपका दिमाग भी शांत होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आसमान में किधर से गोले आकर बरसेंगे। अब हम उसी जगह से गुजर रहे हैं। यहाँ पर धमाका हुआ था और उसकी लपटें लगी थी। यहाँ पर देखिए ये डैमेज हुआ था इस पुल को। यहाँ पर अभी भी वो जले के निशान है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ बड़े बड़े वॉरशिप यहाँ पर मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं जो एक कतार में लगे हुए हैं। देखिए इस वक्त हम डोनेट्स में हैं और डोनेट्स के लेनिन स्क्वायर में आप देखिए इस समय देखिए एक के बाद एक कितने सारे सोल्जर्स यहाँ पर जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको बेलगोरोद के एक शॉपिंग सेंटर लेकर चल रही है और यहाँ देखिए कि यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से हमले के बाद क्या हुआ है। यहाँ पर शेलिंग हुई और उसके वजह से इस प्रॉपर्टी को तो जो नुकसान पहुँचा ही पहुँचा, क्योंकि ठीक वो शेलिंग एक महिला जो गुजर रही थी यहाँ से उस पर गिरी और वो यहीं पर गुजर गई। फ्रंट लाइन पर हम इस वक्त एक ऐसे घर पर मौजूद हैं जहाँ अभी अभी शेलिंग हुई है और उस शेलिंग में उनका कार क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच जो पूरा परिवार था वो अपने घर में इस सेफ जगह पर यानी कि इस तरह के बंकर में रह रहा था। हम मुलाकात कर रहे हैं मारिया बुटिना से। Like if somebody, if some unfriendly country goes to your borders, you're going to defend your land. आज हमारे साथ दारिया के पेरेंट्स हैं अलेक्जेंडर दुगिन, जिन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का गुरु भी कहा जाता है। Whether we win or the world will be destroyed. कहते हैं कि युद्ध और प्रेम का एक अजीब सा रिश्ता होता है, क्योंकि युद्ध के बाद शांति चाहिए और वैसे में प्रेम जब तक ना हो तो फिर शांति कैसे आएगी। पूरे 3 महीने बाद सर आप लोग ने पूरा एक्सक्लूसिव निकाल के दिया है सर, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। TV9 भारत से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसी जर्नी रही और पिछले 3 महीने से लगातार आप बम धमाकों के बीच में एक एक्सक्लूसिव खबरें निकाल के देते रहे सर, और जिसको लेकर पूरे देश में डंका बजा, कैसा फील कर रहे हैं सर? देखिए ये दर्शकों के प्रति TV9 का और हमारा कमिटमेंट ही था कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक लगातार 10 महीने से हम लोग इसको कवरेज कर रहे हैं। 10 महीने में से 4 महीने तो मैं खुद ही उस युद्ध क्षेत्र में रहा था, तो वैसी स्थिति में हमारी कोशिश ही यही थी कि युद्ध क्षेत्र से हर बड़ी खबर हम TV9 पर दें, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हाँ ये बात जरूर है कि कोई भी युद्ध हो वो किसी भी देश को समाज को बहुत हद तक प्रभावित करता है, तो एक न्यूज टीम के तौर पर TV9 की टीम को भी प्रभावित होना वाजिब बनता था, क्योंकि जब आप युद्ध क्षेत्र में हैं और खास करके मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि मारियोपोल जैसे एक औद्योगिक शहर को हमने खंडहर बनते हुए देखा, डोनबास में डोनेस्क में जहां पर हम थे वहां पर रोजाना 100-150 बार बमबारी होती थी। जब रिपोर्टिंग के लिए निकलते थे तो पता भी नहीं होता था कि शाम में शायद अपने कमरे में लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो वो एक चुनौती थी। लेकिन इनके बीच में लाखों लोगों को सब कुछ गंवा देते हुए भी हमने देखा, तो इन सब चीज़ को देखकर ये समझ में आया कि युद्ध में विध्वंस के बीच में भारत जैसे देश जब शांति की पहल की बात करते हैं तो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और निजी तौर पर भी समझ में आया कि प्रेम शांति जैसी जो चीज़ें हैं जीवन मूल्य हैं वो बेहद अहम है, और ये बात आप युद्ध क्षेत्र में रहकर तो बखूबी समझते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने व्लादिन दुगिन का इंटरव्यू किया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, वो पूरे देश में और अपने देश में भी चर्चा का विषय रहा है। मैं समझ सकता हूँ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने की कितना मेहनत करनी पड़ती है। आपने उस सक्सेस इंटरव्यू को कैसे, कितना टाइम आपने दिया और कैसे उनसे मुलाकात हो पाई, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए सर। देखिए दुगिन का इंटरव्यू वाकई में TV9 के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और मुझे लगता है केवल TV9 के लिए नहीं बल्कि भारतीय पत्रकारिता के लिए भी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि
इस युद्ध में अगर आप कहें तो इस युद्ध के मास्टरमाइंड है अलेक्जेंडर दुगिन, जिन्हें पुतिन का गुरु कहा जाता है। ये उनकी सोच थी कि रूस यूक्रेन तक या उससे आगे तक किस तरह से अपनी सीमा को सुरक्षित करेगा। तो वैसी स्थिति में ये कोशिश थी हम लोगों की कि कैसे दुगिन से बात की जाए, और खास करके जब 20 अगस्त को एक बम धमाका हुआ, उसमें दुगिन की बेटी मारी गई, टारगेट पर दुगिन थे और उसके बाद दुगिन चुप थे, तो पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि दुगिन क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे। और तो 3 महीने से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, बहुत लोगों से अप्रोच भी कर रहे थे, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि दुगिन चूंकि अपनी बेटी की मौत के बाद सदमे में है तो वो बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई, और जब उन्होंने TV9 से ये कहा कि इस युद्ध, ये युद्ध तभी बंद होगा जब रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब जबकि युद्ध बहुत ही और भयानक होता जा रहा है और जिसकी हर खबर हम अभी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि दुगिन की बात के बाद एक कोर्स करेक्शन जरूर महाशक्तियों को करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आप समझ सकता हूं कि आपने 3 महीने वहां पे किस तरीके से काटे होंगे, यहां के एटमॉस्फेयर और वहां के एटमॉस्फेयर में कितना फर्क होता है। 3 महीने माइनस डिग्री टेम्परेचर में रहकर आपने रिपोर्टिंग करी है, और अब यहां पर 3 महीने बाद आप वापसी कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं सर? आखिरी सवाल। देखिए, रूस में चूंकि हम भारतीय पत्रकार पहुंचे, हम लोग तो गर्मी में रहने वाले लोग हैं, और अभी भी अब जब यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ठंड नहीं लग रही। उसकी वजह यही थी कि हमने -15, -17 डिग्रीज में काम किया और लगातार हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की, बर्फ के बीच में से रिपोर्टिंग की, तो वो वाकई में एक बहुत ही अलग सा अनुभव था। लेकिन फिर वही है कि आपको जब ये आपने सोच रखा है कि हमें अपने दर्शकों तक वो सारी खबरें पहुँचानी हैं, तो फिर शायद वही जो दर्शकों की जो उम्मीद पर खड़े उतरने की बात होती है, शायद वही ताकत होती है कि आप ऐसे विपरीत मौसम में भी, ऐसे विपरीत हालात में भी आप काम कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये दर्शकों की ही ताकत थी जिसकी वजह से हम लोग वहाँ सर्वाइव कर पाए और सारी खबरें दे पाए। बिल्कुल, आपने खूबी बम धमाकों के बीच में से एक्सक्लूसिव खबरें निकाल के दी हैं, और उसमें पूरा सहयोग कैमरा पर्सन संजीत को भी जाता है, जितना हमारे सर को जाता तो नहीं इनको भी जाता है। सर, वेलकम बैक, कैसा महसूस कर रहे हैं 3 महीने बाद आप अपनी सर जमीन पर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, धरती यहाँ पे तो आके इंडिया में, घर की याद सताती थी, अरे क्यों नहीं आएगी, यहाँ तो 3 महीने जब बमबारी में रह रहे हैं, वहां से जब बच के आ रहे हैं तो क्या करेंगे। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे हो आप? डोनेक्स, सामने से मिसाइलें आ रही हैं, वहाँ कैमरा करना वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सर में भी कैमरा चलाते रहे, माइनस 15 में हाथ ये काम नहीं करते, जम जाते थे, कैसे सर्वाइव कैसे करते थे सर, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। 10 दिन 15 दिन पानी नहीं आता था, बगैर पानी के रहना पड़ता था, बिना पानी के रहना पड़ता था, बगैर पानी। ये देखिए, इसे कहते हैं साहसी पत्रकारिता, चौथे स्तंभ को पर रहकर जिस तरीके से एक्सक्लूसिव बम धमाकों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स निकालने के लाए हमारे सर, और आज इस सरजमी पर आपका TV9 भारत की तरफ से स्वागत किया गया है। कैमरा पर्सन निधिम के साथ अंशुमन यादव, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।